अगर मैं हार्श वर्ड का इस्तेमाल करूं, अगर कप्तान बदलता है तो बाबर की टीम में, टी20 की टीम में जगह नहीं बनती। वीरेंद्र सहवाग ने एक चैनल पे बैठ के कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तानी नहीं करते तो मेरे हिसाब से पाकिस्तान की टी20 टीम में उनकी जगह भी नहीं बनती। और उन्होंने वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए यही कहा है कि जितना वो टाइम लेते हैं खेलने में और जो उनका स्ट्राइक रेट है उस हिसाब से वो इस फॉर्मेट को सूट नहीं करते। सहवाग ने तो जो बात की है अगर देखा जाए आजकल की टी20 के हिसाब से तो बात उसने ठीक की है। जर्नी तो अली भाई हर किसी की स्टार्ट होती है, बिल्कुल सही बात, पर ग्रेट्स की जर्नी मैंने देखा है वो अलग ही तरह की स्टार्ट होती है। और शायद बाबर आजम उस सड़क पर दिखते थे जहां वो आगे चलकर एक ग्रेट बन सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बन सकते, बट आई थिंक अगर मैं बाबर हूं, मैंने गलती कर भी दी, मैंने कप्तानी ले भी ली दोबारा ना, आज मैं अपनी इज्जत के लिए, अपनी गेम के लिए, अपनी टीम की बेहतरी के लिए, बिफोर कोई और आके मेरा फैसला ले, मैं खुद डिसाइड कर लूं कि मैं नहीं करूंगा। मुझे तो सच है मगर बात है रुसवाई की, क्योंकि कप्तान की कप्तानी नहीं चल पाई है। अलबत्त ये बात उनकी सही है, सिर्फ उन्होंने यही नहीं कहा, उन्होंने बहुत सारे इशारे भी दे दिए नाज़िम। जो चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की जरूरत है, पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब ये बातें हो रही है, पहले ये बातें कोई सोच भी नहीं रहा था कि 4000 रन। हमारा मसला ये ना, हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं, रैंकिंग नंबर वन पाकिस्तान रैंकिंग पे आ गया टी20 की, या बाबर नंबर वन बैट्समैन आ गया, या शाहीन नंबर वन बॉलर आ गया। जिम्मेदार प्लेयर नहीं है, इसका जिम्मेदार बोर्ड है। एक बंदे ने जिस टीम को बर्बाद किया हो, एक बंदे ने पूरी टीम की लेगेसी बर्बाद कर दी हो, जिस टीम ने टी20 वर्ल्ड कप, चैंपियंस ट्रॉफी और ओडीआई वर्ल्ड कप जीता हो, उस टीम को इस कगार पर लाके खड़ा कर दिया कि अब हमें वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना पड़ेगा, तो खुद सोचो कि ये क्या घटिया बात है। बाबर आजम एक नोन परफॉर्मर है, ठीक है वो छक्के नहीं लगाता, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैटिंग नहीं करता, उसका स्ट्राइक रेट खराब है, लेकिन ये चीजें ऐसी है जो इंप्रूव कर सकता है। वो अभी इस साल अक्टूबर में वो 30 साल का होगा, उसके पास अभी 4-5 साल एटलीस्ट टी20 क्रिकेट के लिए मौजूद हैं, तो उसको अपने आप को चेंज करना होगा। बात सीधी ये है कि मुझे अल्लाह का शुक्र है ये पता है कि मैं प्रॉपर सिस्टम की बात करता हूँ। मुझे ऐसा लगता है शायद दूसरे कहीं ना कहीं डंडी मारते हैं, दूसरे क्रिकेटर्स इन चीजों के ऊपर डंडी मार जाते हैं। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को पाकिस्तानी आवाम ने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि सालों 6 महीने तक पाकिस्तान में नजर मत आना, 6 महीने पाकिस्तान में नजर मत आना, वरना लोगों का जिस लेवल पर गुस्सा है ना, लोग तुम्हारे घर में चढ़ चढ़ के तुमको पकड़ लेंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे तुम्हारे साथ कि तुम खुद सोचोगे कि हुआ क्या है। जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों आपको बता दें कि वीरेंद्र सहवाग का एक बयान सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही है, जिसमें उन्होंने कहा है कि बाबर आजम अगर कप्तान नहीं होते तो उनकी इस टीम में जगह नहीं बनती। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि वीरेंद्र सहवाग ने कितनी बड़ी बात कर दी है, जिसको लेकर पाकिस्तानियों को मिर्ची लग गई है और ये बातें कर रहे हैं कि वीरेंद्र सहवाग कौन होते हैं जो हमारे क्रिकेट टीम के बारे में इस तरह की बातें करेंगे, हमारे कप्तान बाबर आजम के बारे में इस तरह की बातें करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि जो हकीकत है वह यही है कि अगर बाबर आजम कप्तान नहीं होता तो उसको टीम से लात मारकर बाहर भगा दिया जाता। मुझे ये लगता है कि एक स्टेज आती है आपकी जिंदगी में ना, जहां पर आपको लगता है कि लीडरशिप जो है वो बोझ बन रही है। शायद वो, मतलब मैं बाबर को जानता नहीं हूं, मैं ज़िंदगी में उनको 60 या 70 सेकंड मिला था, वो भी कोलंबो में प्रैक्टिस करके आ रहे थे तो हेलो हाय हुई थी, उसके अलावा मैंने कभी उनसे इंटरेक्ट नहीं किया। मुझे नहीं मालूम उनकी शख्सियत क्या है, मैं ये ज़रूर मानता था कई साल पहले कि यार ये इस बैट्समैन में दम है आगे जाने का। शायद मैं तब भी कहता था कि विराट जहाँ पहुँच गए हैं या जो बाकी खिलाड़ी वहाँ पहुँच गए हैं, बाबर की वो जर्नी स्टार्ट हो गई थी, क्योंकि ग्रेट्स ना जर्नी तो अली भाई हर किसी की स्टार्ट होती है, बिल्कुल सही बात, पर ग्रेट्स की जर्नी मैंने देखा है वो अलग ही तरह की स्टार्ट होती है। और शायद बाबर आजम उस सड़क पर दिखते थे जहां वो आगे चलकर एक ग्रेट बन सकते थे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि नहीं बन सकते, बट आई थिंक अगर मैं बाबर हूं, मैंने गलती कर भी दी, मैंने कप्तानी ले भी ली दोबारा ना, आज मैं अपनी इज्जत के लिए, अपनी गेम के लिए, अपनी टीम की बेहतरी के लिए, बिफोर कोई और आके मेरा फैसला ले, मैं खुद डिसाइड कर लूं कि मैं नहीं करूंगा। मुझे याद, अगर वो कप्तान नहीं है, जो कि वो नहीं होने चाहिए, वो तो बहुत उस पे बात हो गई, कप्तान नहीं है तो क्या बाबर की टी20 टीम में जगह बनती है? नहीं, थोड़े हार्श वर्ड्स हैं सहवाग के। बाबर आजम एक नोन परफॉर्मर है, ठीक है वो छक्के नहीं लगाता, वो बहुत ज्यादा एग्रेसिव बैटिंग नहीं करता, उसका स्ट्राइक रेट खराब है, लेकिन ये चीजें ऐसी है जो इंप्रूव कर सकता है। वो अभी इस साल अक्टूबर में वो 30 साल का होगा, उसके पास अभी 4-5 साल एटलीस्ट टी20 क्रिकेट के लिए मौजूद हैं, तो उसको अपने आप को चेंज करना होगा। विराट कोहली के लिए ये कहा जा रहा था कि जी 120 का स्ट्राइक रेट, 124 का स्ट्राइक रेट, उसने इस आईपीएल में 150 का स्ट्राइक रेट किया। आपके पास पीएसएल है, आपके पास बायलेटरल सीरीज के मैचेस हैं, आप उसमें अपनी कारकर्दगी इंप्रूव करें, अपना स्ट्राइक रेट इंप्रूव करें, और अगर कप्तान नहीं होता सो बी इट, लेकिन उसको तो और ज्यादा रिलीफ होगा। लेकिन शायद भाई इसमें आपके पॉइंट में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, व्हेन वी टॉक अबाउट विराट कोहली, ही हैज द लिबर्टी के पीछे ऐसे प्लेयर आ रहे हैं उनके पास, अभी तो रिंकू सिंह भी टीम में नहीं थे, रिंकू सिंह हो जाते हैं, हार्दिक हो जाते हैं, सूर्या कुमार हो जाते हैं, मिडिल ऑर्डर बिल्कुल भी, मैं एक स्टैट देख रहा था कि 5 साल में हमने 27 प्लेयर 3 से 7 नंबर पर आजमाए, इंडिया ने 32 आजमाए, लेकिन इंडिया के पास एक स्टेबिलिटी है, वो अपने 7 प्लेयरों को
और वो ODI के क्रिकेट के और T20 के क्रिकेट के प्लेयर अलग अलग रखते हैं। उन्होंने ईशान किशन को नहीं लिया, उन्होंने KL राहुल को नहीं लिया, उन्होंने श्रेयस अय्यर को नहीं लिया। ये वो प्लेयर्स हैं जो थोड़ा सेट होने में टाइम लेते हैं, इसलिए वो ODI क्रिकेट के लिए सूटेबल है, लेकिन T20 क्रिकेट के लिए। कम आपके कुत्ते की तरह हारी है वर्ल्ड कप में, जिस तरह पाकिस्तान टीम वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज में एग्जिट हुई है, कोई भी टीम होगी तो भाई दुनिया ना बात करेगी ना, आपका घंटा कुछ कर नहीं रहा तो दुनिया बोलेगी आप पे। ये जो मीडिया हमारा उठ के बात कर रहा है, और बाबर आजम हमारा प्लेयर और घंटे के वो कर क्या रहा है। तो भाई जान पाकिस्तान टीम आपको बता कि जिस तरह वर्ल्ड कप में ग्रुप स्टेज से एग्जिट हुई है, कुत्ते की तरह हमें हर टीम ने मारा है, इंडिया ने, USA ने, कैनेडा ने भी हमें मारा ही, आयरलैंड ने भी हमें मारा ही, और कप्तान हमारा कप्तानी और बैटिंग दोनों में फ्लॉप रहा, दोनों में बुरी तरह कप्तान हमारा एक्सपोज हुआ, दोनों में बुरी तरह कप्तान हमारा कुत्ते की तरह जो है वो दुला, जो जिस तरह धोबी कपड़े नहीं धोता उस तरह कप्तान हमारा दुला, उस तरह टीम हमारी दुली है। तो हरभजन सिंह ने जो है वो एक स्टेटमेंट दिया और सहवाग ने भी स्टेटमेंट दिया, भाई उनका काम है बात करना, वो बोलेंगे, अपनी टीम को बोलते ना कुछ बेहतर कर लेते। वासित भाई आपने तो 3 छक्कों की बात की थी, वो तो 1 छक्के में ही कह रहे हैं, बड़ा मुश्किल है फास्ट बॉलर पे मारना। जो चीज उसको डेवलप करनी चाहिए थी वो चीज बोली थी वासित अली ने, ये नहीं कहा था कि इससे कोई मतलब मुझे फायदा होगा, पाकिस्तान को फायदा होगा, और वही जबान सहवाग ने बोल दी है कि जो चेंजर नहीं है, मैच चेंजर नहीं है, और स्पेशली उस टाइम पे जहाँ पे छक्के की जरूरत है पावर प्ले में नहीं मार सकता तो टीम में नहीं रखना चाहिए। लेकिन अब ये बातें हो रही है, पहले ये बातें कोई सोच भी नहीं रहा था कि 4000 रन, हमारा मसला ये ना हम पर्सनल माइलस्टोन पे बहुत खुश हो जाते हैं, रैंकिंग नंबर वन पाकिस्तान रैंकिंग पे आ गया T20 की, या बाबर नंबर वन बैट्समैन आ गया, या शाहिन नंबर वन बॉलर आ गया। जिम्मेदार प्लेयर नहीं है, इसका जिम्मेदार बोर्ड है, आप उन चीजों को हाईलाइट करते हैं भाई, आप सीरीज हारने का तो पूछते नहीं है, बोर्ड बोर्ड गुलाम बना हुआ है ना, प्लेयरों को ही गुलाम बना था ना, 10-12 का जो टोला था जिसमें अब दीवार बन चुकी है, दरार आ गई है, तो पहले जो बोर्ड था उन्होंने इन्हें उठाया था, अब दुनिया सब जानती है, अब तो दूसरे भी बोलने लगे। पाकिस्तान के क्रिकेटर्स को पाकिस्तानी आवाम ने एक बहुत अच्छा मशवरा दिया है कि सालों 6 महीने तक पाकिस्तान में नजर मत आना, 6 महीने पाकिस्तान में नजर मत आना, वरना लोगों का जिस लेवल पर गुस्सा है ना, लोग तुम्हारे घर में चढ़ चढ़ के तुमको पकड़ लेंगे और ऐसे ऐसे काम करेंगे तुम्हारे साथ कि तुम खुद सोचोगे कि हुआ क्या है। यकीन करो पाकिस्तान का गुस्सा अभी हारिस रूफ वाला जो ट्रेलर है, जो कल की खबर तुम लोग सुन रहे हो ना कि हारिस रूफ ने फैन के साथ पंगा कर लिया, ये कर लिया, वो कर लिया, वो तो एक ट्रेलर है, फैंस का गुस्सा डबल मोमेंट पे चढ़ा हुआ है भाई, वो तो लॉस एंजलिस या फिर डेलिस पता नहीं कहां पर ये मामला हो रहा था, फ्लोरिडा वगैरह में, तो वो बच गए। अगर यहाँ पाकिस्तान में होता ना, यहाँ पर तो पठान रहते हैं, सराइकी, बलोची, सिंधी, ये तो भाई बड़े गुस्से वाले लोग हैं, इनका दिमाग 2400 घंटे जो है ना सातवें आसमान पर रहता है, कहते हैं हमसे पंगा ना लेना, कुछ भी कर लेना। और पाकिस्तान टीम ने पाकिस्तान की जिस तरीके से लानत फिरवाई और पाकिस्तान क्रिकेट टीम को जलील करवाया, सीधा सीधा यहाँ पर पंगा लिया है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। सहवाग ने तो जो बात की है, अगर देखा जाए आजकल की T20 के हिसाब से तो बात उसने ठीक की है, क्योंकि वो खुद इतना बड़ा प्लेयर था, उसने तो आगे टेस्ट मैच में भी ऐसा अग्रेसिव खेलता था, एक क्रिकेट चेंज की है उसने और जय सूर्या ने। तो मेरे ख्याल से आजकल मैं इस चीज़ पे नहीं जाऊँगा कि वो टीम का हिस्सा ना होता, क्योंकि उसने रन करके दिए हैं, परफॉर्मेंस करके दिए हैं। मसला क्या आया कि हमने वो प्लेयर्स डेवलप नहीं किए, कंपटीशन टीम में रखा ही नहीं, जो बाबर को आके थोड़ा टफ टाइम देते हैं कि भाई पुश करते। अगर बाबर 3 वर्ल्ड कप खेला, 7 छक्के मारे हैं, तो इसका मतलब है कि टीम मैनेजमेंट, बाबर कप्तान था, तो ये उसकी वीकनेस है कि उसने टीम में कंपटीशन रखा नहीं। जैसे बात की है कि ओपनर्स इतने हमने रखे हैं, मिड ऑर्डर को इतना चांस दिया, वो चांस आपके सामने किन लड़कों को दिया, गलत इन्वेस्टमेंट की है बाबर ने, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने, सेलेक्टरों ने, आपने देखा नहीं है कि इस वक्त हमारे टीम में सूटेबल क्या है। जैसा कि आपने वीडियो में देखा कि किस तरह से पाकिस्तानी मीडिया में वीरेंद्र सहवाग के इस बयान को लेकर काफी ज्यादा ट्रोलिंग हो रही है कि वीरेंद्र सहवाग को इस तरह के पाकिस्तान क्रिकेट टीम के बारे में और पाकिस्तानी खिलाड़ियों के बारे में बातचीत नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि जो हकीकत है वही फाइनली वीरेंद्र सहवाग ने बोला है, लेकिन इन पाकिस्तानियों को इतना ज्यादा जल गई है कि ये बाबर आजम को लेकर काफी ज्यादा वीरेंद्र सहवाग को ट्रोल कर रहे हैं। लेकिन आपको बता दें कि जिस तरह से वीरेंद्र सहवाग ने कहा कि पाकिस्तान टीम में अगर कप्तान बाबर आजम नहीं होता तो उसको टीम में जगह नहीं मिलनी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से उसकी परफॉर्मेंस है वो छक्के नहीं मार सकता, अगर फास्ट बॉलर को छक्के मारने हो तो उसकी औकात का पता चल जाती है, जिसको लेकर वीरेंद्र सहवाग ने उसे जमकर ट्रोल किया। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया वीरेंद्र सहवाग को ट्रोल कर रही है, क्योंकि उनका कहना है कि हमारे किंग बाबर आजम को वीरेंद्र सहवाग ने ऐसी बातें क्यों कह दी। लेकिन आपको बता दें कि हकीकत यही है कि वीरेंद्र सहवाग ने जो बातें कही है वो 100% सही है। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को इतना ज्यादा बाबर आजम को लेकर मतलब पक्ष लेते हैं कि आप सोच नहीं सकते। बाबर आजम अगर रन नहीं बनाता है तो ये पाकिस्तान वाले कहते हैं कि पिच खराब है, ये खराब है, वो खराब है। लेकिन आपको बता दें कि अगर बाबर आजम छक्के चौके मार देता है जिस बार, अगर मतलब जिम्बाब्वे के खिलाफ अच्छा बल्लेबाजी करता है, तो यही पाकिस्तानी मीडिया उसे इतना ज्यादा अप्रिसिएट करती है, जैसे
ऐसे लगता है कि बड़े टीमों के खिलाफ बहुत बड़ा रन बना दिया, लेकिन जिस तरह से बाबर आजम की प्रदर्शन चली थी T20 वर्ल्ड कप में, पूरी तरीके से उसकी बैटिंग एक्सपोज हो गई थी। 50 गेंदों में 40 रन बनाता था। ये सब T20 के खिलाड़ी नहीं है, लेकिन ये फिर भी टीम में शामिल हुए हैं। और वीरेंद्र सहवाग ने जो बातें की उसको लेकर पाकिस्तान वाले इतने जल गए हैं कि उसको बातें कर रहे हैं कि उनको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। लेकिन आपको बता दें कि इन पाकिस्तानियों को सच बर्दाश्त नहीं है। खैर, इस पर आपकी क्या राय है हमें अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा, और साथ ही हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।